बहन जल्दी आओ, बहुत अर्जेंट काम है, जल्दी जल्दी। क्या हुआ बोलो। पेन गिरा हुआ है, उसको टेबल में रखते हैं, ये कॉपी भी टेबल में रखते हैं। जल्द से मैं दरवाजा बंद कर देना, लाइट भी बंद कर देना, और मम्मी को बोलना कि दीदी पढ़ के थक गई है तो 2 घंटे डिस्टर्ब ना करें, ठीक है? पागल है क्या, मुझे इतने फोन करके बुलाया, ऊपर से नीचे बस ये फालतू काम करने के लिए बुलाया है। पागल दिखती हूँ मैं, खुद से फोन भी नहीं बोल सकती थी। करती है या मम्मी को तेरी सीक्रेट बताऊं? ये तो बोलो, फोन करती हूँ, बोलो। अरे दीदी, इतना छोटी सी बात पे क्यों गुस्सा हो रहे? मैं तो मजाक करती थी, सब करते थे ना। अब का हुक्म मेरा है बहन, सब कर दूंगी, बस मम्मी को सीक्रेट बताना नहीं, ठीक हे ब्रो, निकलना। बिना वजह के मारा मत करो। मम्मी को बोल दूंगा, बिना मतलब को मारता रहता। देख छोटी, तेरे से बात करना है, लेकिन ये बात मम्मी पापा को पता नहीं चलनी चाहिए, ठीक है? हाँ बोलो ना भैया, इस पर क्या किया, मैं नहीं बताऊंगी। डू यू नो ना हाउ मच भैया लव्स यू? इसके बाद भी भैया तुमसे इतना ही प्यार करता है जितना आज करता है। तुझे कुछ भी हो, अगर तुम्हें जरूरत हो मेरी तो मुझे बोलना, ठीक है? मैं तुम्हारे हमेशा साथ रहूंगा, ठीक है? हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? छोटी, ये बात तो मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन सच आखिर कितना देर तक छुप सकता है? मैं तुम्हारे हमेशा साथ रहूंगा, ठीक है? छोटी, यू आर अडॉप्टेड। मम्मी ने तो मुझे कभी नहीं बताया, और आप लोगों ने भी नहीं, दादा तुम्हारे भी नहीं बताया। हाँ सब डरते थे तुम्हारे से, तो मैंने हिम्मत उठा के ये बात बता दी। ये रहे पेपर्स अडॉप्ट किए हुए, पर अडोप्टेड चाइल्ड कम यार। बहन उठ, बड़ा खड़ा है, छोटा बैठा हुआ है, चलो उठ। इसको खत्म होने दे, उसके बाद मैं चली जाऊंगी, उसके बाद बैठ जाना, ठीक है? मैंने बोला ना मुझे देखना है, मींस देखना है, उठ, नहीं तो मम्मी को बता दूंगी। अरे दीदी, अब छोटी छोटी बात पे गुस्सा माने तो सब तो आप ही का है। बैठिए बैठिए, हम नीचे बैठ जाते हैं, बैठिए। अब आई ना उठ, पहाड़ के नीचे बड़ा आई मुझे सिखाने, चल। दीदी भैया, न्यू जोक, बैंक में खाता है? नहीं रे बाबा, मैं तो घर में खाता हूँ। अरे यू आर सो फनी ना। ओ हंसना था क्या? तू फिर से बोल, इस पर हंसती हो पक्का? ये कोई जोक है, इस पे कोई हंसता है? पागल, चल पक यहाँ से। तुम दोनों कभी मेरे जोक पे नहीं हंसते, फालतू तो इंसान हो तुम लोग। वो सब क्या था जो तुम खांस रही थी? हाँ बोलो। अरे मैं ऐसे लाने बोलती थी, तू थोड़ी ना लाते, इसलिए मैंने अपना दिमाग लगाया है, इसलिए तुम पानी लाई। ला दे। ये दीदी भी ना, इस बार तो मैं अपने पसंद के कपड़े पक्का ही लूंगी, हर बार मम्मी की पसंद पहन पहन के थक चुकी हूँ यार, हर बार अपने ही पसंद की पहना देती है मुझे। मैं तो अब बड़ी भी हो गई हूँ, अपना काम खुद से भी करने लगी हूँ, मुझे तो इतना बड़ा डिसीजन लेना ही पड़ेगा, इस बार तो मैं अपने से ही कपड़े लूंगी, पक्का मम्मी को मना। छोटी, तूने बोला था कि तुझे नए कपड़े चाहिए, जीन्स और क्रॉप टॉप, तो मैंने सोचा कि तेरी दीदी के कपड़े पड़े हुए हैं, ऐसे ही कोई पहनता भी नहीं है, तो इसी इस बार तू पहन ले, नेक्स्ट टाइम पक्का न्यू दिला दूंगी। मम्मी मुझे दीदी के कपड़े पसंद नहीं आते, और मेरे दोस्त लोग हमेशा मजाक उड़ाते हैं कि मैं अपनी दीदी के कपड़े ही पहनती हूँ। प्लीज़ मम्मी, इस बार नए कपड़े दिला दो मम्मी, प्लीज़।
अरे तो उन सब की बात मत सुना कर, हमारे पास फिजूल के पैसे वेस्ट करने के लिए नहीं है। क्या मेरा अपने अपने इंस्टाग्राम में मेरा पोस्ट आ रहा है, उसमें मैंने कपड़ा भी नहीं पहना यार। बर्थडे था इसलिए बचपन की याद दिला रही थी। इसमें क्या है, तेरे बर्थडे था ना, खुश करना चाहती हूँ तुमको। वो सब तो ठीक है, लेकिन उसके नीचे ये क्यों लिख दिया कि मैं 5 साल तक बेड पे टॉयलेट करती थी। दीदी ऐसा नहीं लिखते, दीदी मेरी बाहर क्या इज्जत रह जाएगी। तेरी इज्जत कहाँ है बहन? अब तू मुझे सिखाएगी कि कौन सा पोस्ट डालना? बड़ी हूँ तुझसे, 2 दिवाली ज्यादा नहीं, 10 दिवाली ज्यादा देखा है। ठीक है दीदी, प्लीज दीदी, डिलीट कर दो दीदी, प्लीज दीदी, प्लीज कुछ भी करूंगी दीदी, प्लीज दीदी, पैर भी दबा दूंगी। कुछ डिलीट नहीं होगा। मम्मी मुझे ना कुछ चाहिए। हाँ बोल, क्या चाहिए तुझे? मुझे ना फोन चाहिए मम्मी, पढ़ाई करने में बहुत डिफिकल्टीज आती है, ढंग से पढ़ा भी नहीं जाता। अब तो मैं बड़ी भी हो गई, प्लीज एक दिला दो ना मम्मी। पागल हो गई है क्या? जब मैं 18 की था वो भी कीपैड वाला फोन मुझे मिला था, तुझे 16 की उम्र में फोन चाहिए? सुन लो मम्मी, अगर इसको कुछ मिला ना तो मुझे भी फिर कुछ चाहिए, मैं नहीं जानूंगी फिर। अब तो इतनी बड़ी हो गई है कि तुझे 16 साल की उम्र में फोन चाहिए? मम्मी पता है 16 ही साल होता है सबका बिगड़ने का, मत देना फोन इसे। हम और मम्मी बात कर रहे थे, तुम बीच में क्यों घुस रही हो? तो जब तुम बात करते हो तो हम कुछ बोलते हैं क्या? तो दिमाग खर्च मत किया करो जब हम बात कर रहे हैं। ए तुम लड़ाई मत करो, वैसे भी छोटी तुम छोटी है ना दीदी से, तो दीदी की बात सुना करो, हमेशा गलत बात नहीं ना बोलेगी। तो अगर तुझे कुछ काम होगा फोन वोन से तो मेरा या दीदी का फोन ले लेना, ठीक है? और कुछ काम है तो बोलो। बड़ा आई न्यू फोन लेने वाली, रुक तेरे को बताते हैं। छोटी सुन, दुकान जा और कुछ स्नैक्स वगैरह लेके आ, आज तेरे मामा जी आने वाले हैं ना। छोड़ी छोड़ी, जल्दी आ जल्दी, ऊपर से जाके सुई धागे लेके, मुझे कुछ चलना है, जल्दी जल्दी। छोटी छोटी जल्दी आओ यार, तू कभी मेरी बात नहीं सुनती, तू क्या करती है ऊपर यार बता। छोटी तू कुछ काम नहीं करती है, मैं जो बोलती हूँ तू तो एकदम नहीं करती है यार, क्या करूँ इस लड़की का। मम्मी आप कितना झूठ बोलते हो, दिन भर छोटी 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 ये छोटी वो दिन भर बोलते रहते हो, और अभी बोल रहे कि मैं कुछ नहीं करती। अब से रुको, सच में नहीं करती हूँ, तुम बोलो खाली छोटी छोटी। That's it for this video, guys. Please like this video and tell in comment section कि आपका most irritating thing क्या है being a small children in house. Thank you.